गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम एक्सरसाइज 31 पेज नंबर 92 हाफ ईयरली का बचा हुआ सिलेबस को पूरा कर रहे हैं। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 48 एंड देयर एच सी एफ इज 2, फाइंड देयर एल सी एम। बच्चों, इसका मीनिंग हुआ जो दो नंबर है और उस दो नंबर्स का एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, तो फाइंड देयर एल सी एम। तो एल सी एम क्या होगा? तो एल सी एम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एल सी एम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अब बाई एच सी एफ। तो हम क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है? तो 48 है, तो यहाँ हम 48 लिखेंगे, ठीक है। और एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स कितना है? 2 है। एल सी एम हमको निकालना है, तो एल सी एम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाई एच सी एफ। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि 48, अब बाई एच सी एफ कितना है? 2। तो यहां 2 से इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे या लोएस्ट टर्म निकाल देंगे। 2 2 1 जा 2 24 जा, तो ये हो जाएगा 24। अर्थात एल सी एम इजकल टू क्या हो जाएगा इसमें? 24। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 108 एंड देयर एल सी एम इज 36, फाइंड देयर एच सी एफ। इसमें बच्चों एच सी एफ निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी है, एल सी एम भी दिया हुआ है और एच सी एफ निकालना है। सेम पहले क्वेश्चन की तरह बनाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स है हमारा 108 और एल सी एम ऑफ टू नंबर्स यानी 36, तो फाइंड एच सी एफ निकालना है। तो एच सी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम? एच सी एफ इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाई एल सी एम। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है हमारा 108, तो यहां हम 108 लिख दिए, बाई एल सी एम यानी कि 36 लिखे। अब इसको हम लोएस्ट टर्म निकाल लेंगे, 6 6 जा 36, 6 1 जा और 4 6 8 जा 48, 6 और 6 3 जा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा, तो 3 एच सी एफ हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह से बच्चों जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको तुम नोटबुक में अच्छी तरह से बना लेना। ओके एंड थैंक यू।